हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु अरबुला। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंच अकम्प्लिश कैमो एडिशन का एक छोटा सा वॉक अराउंड। बात करेंगे दोस्तों गाड़ी के बारे में। अब ये गाड़ी दोस्तों नॉर्मल गाड़ियों से अलग क्यों है दोस्तों? अब जिन लोगों को लीक से हट के चल के काम करने में मज़ा आता है, जो लोग चाहते हैं कि नहीं उनके पास हट के थोड़ा चीज़ हो, उन लोगों के लिए कंपनी ने ये वेरियंट बनाया है दोस्तों। कैमो एडिशन है, कलर इसको फॉलिस ग्रीन बोला जाता है। इस तरीके से कुछ दिखती है गाड़ी दोस्तों। इसमें आप देख पा रहे होंगे सामने जो छत आपको दिख रही है डुअल टोन में मिल जाती है। नॉर्मली पंच के क्रिएटिव वेरिएंट में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहीं अगर आप इस कैमो एडिशन को ले रहे हैं तो आपको कैमो एडिशन में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। जो आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है, दो कलर मिलता है। एक आपको वाइट कलर का सन टॉप मिल जाता है, दूसरा आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। दो तरीके की गाड़ी इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है दोस्तों। सेकंड टॉप मॉडल इस वेरिएंट को आप कह सकते हैं दोस्तों, पंच अकम्प्लिस और कैमो एडिशन इसको बोला जाता है। ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आप फ्रंट से देख पा रहे होंगे। फॉग लैंप्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर का आपको हेडलाइट का सेटअप दिया गया है। इस तरीके से दिखती है कुछ फ्रंट से गाड़ी। बात करें इसकी डायमेंशन की, तो जो आपको इसकी लेंथ दिखती है 3827 mm की लेंथ है इसकी। अंडर 4 मीटर में आने वाली सब कॉम्पैक्ट SUV इसको बोला जाता है। और जो इसकी विड्थ है 1742 mm की इसकी चौड़ाई है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस इसमें आपको 2440 mm का देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस तरीके से है कुछ फ्रंट का लुक। कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। वही चाबी आपको देखने को मिलती है जो कि पंच के टॉप वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये लॉक का, ये अनलॉक का, ये फॉलो मी होम हेडलैम्प और ये बूट रिलीज का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फॉलो मी होम हेडलैम्प एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आप बटन दबाएंगे तो रात में आप अपनी गाड़ी को सर्च कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपको पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी ढूंढनी है, तो लॉक और अनलॉक के बटन को 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए आप अगर दबा के रखेंगे, इस तरीके से गाड़ी साउंड करने लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। ये फीचर भी आपको इस वेरियंट में देखने को मिल जाता है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे, और ये देखिए दोस्तों, 50 लाख गाड़ियाँ 25 सालों में टाटा बेच चुकी है, 1998 से लेके 2023 तक। तो ये भी एक बेंचमार्क है, तो इसको भी हाईलाइट किया गया है टाटा की तरफ से। 90 डिग्री ओपनिंग आपको इसमें डोर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इस वाले वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मल गाड़ी से इसमें अगर आप अकम्प्लिस नॉर्मल लेते हैं और अगर कैमो एडिशन लेते हैं, तो आपको सीट का जो सीट्स रहती हैं इसके फैब्रिक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा हट के बनाई गई है दोस्तों। चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं अंदर गाड़ी के, पुश स्टार्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये फॉग लैम्प का ऑप्शन। ये दो तरीके के ड्राइव मोड इसमें आपको देखने को मिलते हैं, इको और सिटी। और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की, इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स और इधर क्रूज के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने क्लच दबा के इस तरीके से करनी है स्टार्ट। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। इसमें जो साउंड है अब आपको काफ़ी कम दिखाई देने सुनाई दिया जाएगा। BS6 Phase 2 नॉर्म्स के अनुसार ये गाड़ी बनी हुई है, तो पावर भी गाड़ी में थोड़ा बढ़ गई है, 88 PS की हो गई है। और NVS लेवल भी जो साउंड का है अंदर केबिन में नॉइस आपको कम दिखाई सुनाई पड़ेगी दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे RPM उठे हुए हैं, 1 के आसपास पहुँचा हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट है गाड़ी। और देख सकते हैं आप नॉर्मल, बिल्कुल साउंड आप बिल्कुल साइलेंट कर दिया है गाड़ी को। एक्सेलरेशन देके दिखाता हूँ आपको, RPM आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी स्मूथ बना दी गई है। इस तरीके से आपको हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, JBL के स्पीकर के साथ आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कुछ दिखती है फ्रंट से गाड़ी। इधर आपको AC के कंट्रोल्स सारे दिए गए हैं। यह है कुछ अंदर का माहौल। बात कर लेते हैं बाहर के बारे में। रेयर में भी आपको इस गाड़ी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं हर बार कहता हूं, इसमें आपको जो बीच में हम्प है ये नहीं दिखाई देगा,
तो जो बीच में बैठा रहता है वो काफ़ी सेफली जर्नी कर सकता है। दोस्तों बारिश हो रही है दोस्तों, तो गाड़ी में थोड़ा आप देख पा रहे होंगे लुक थोड़ा गाड़ी का डिफरेंस आपको लग रहा होगा। पंच की यहाँ पर बैजिंग दिख जाती है। यहाँ पर आपको कैमरा इस तरीके से कीलेस एंट्री का आपको बूट रिलीज का ऑप्शन मिल जाता है। की का आपको कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से आपको ये बूट स्पेस मिल जाता है दोस्तों। ये हो गया टायर मोबिलिटी किट कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। और इधर स्टेपनी टायर का आपको सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों ये था छोटा सा एक वॉक अराउंड पंच अकम्प्लिस कैमो एडिशन का। दोबारा बताऊंगा दोस्तों, इस वेरिएंट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक जो रूफ मिलती है, एक वाइट रूफ मिल जाती है, दूसरा जो कलर आता है इसी में ब्लैक रूफ भी मिल जाती है। तो इस पर आप जा सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।